हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि कभी भी केबल स्ट्रीट ब्रिज का उल्लेख किया जाता है तो ज्यादातर लोगों के आंखों के सामने मुंबई के सीलिंग ब्रिज का ही उदाहरण आ जाता है। पर अभी मुंबई में इसी सीलिंग की तरह दो और केबल स्ट्रीट ब्रिज बनने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कहां पर बनाए जाने वाले हैं वह ब्रिज, उन्हें क्यों बनाया जा रहा है, उन्हें बनाने के लिए कितनी लागत आने वाली है और उन्हें बनाने के लिए कितना समय लगने वाला है, और भी कई सारी बातें हैं इस वीडियो में जानने के लिए, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि मुंबई में बहुत सारे ब्रिज ब्रिटिश काल से बने हुए हैं, जिनकी वजह से वह आज के ट्रैफिक को पूरी तरीके से संभाल नहीं पाते, और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार अभी इन ब्रिजेस को एक एक करके अपग्रेड करने में लगी हुई है। और इसी इनिशिएटिव के तहत अभी मुंबई के दो ब्रिटिश कालीन ब्रिजेस को नई टेक्नोलॉजी से बने केबल स्ट्रेट ब्रिजेस में कन्वर्ट किया जाने वाला है। यह दोनों भी ब्रिज रेल ओवर ब्रिजेस होने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला ब्रिज भाईकला के रे रोड एरिया में आता है और दूसरा ब्रिज दादर के तिलक रोड एरिया में आता है, जिन्हें पूरी तरीके से नए स्वरूप में बनाया जाने वाला है। इन ब्रिजेस के निर्माण की जिम्मेदारी महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी गई है और इसे बनाने का खर्च बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उठाने वाला है। और अभी इस वक्त इन प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ऐसा माना जाता है कि इस साल के नवंबर महीने से इन ब्रिजेस के रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर हम रे रोड रेल ओवर ब्रिज की बात करें तो यह भाईकला और नागपाड़ा को जोड़ने का काम करता है, और दादर में मौजूद तिलक नगर ब्रिज दादर रेलवे स्टेशन के ऊपर से होते हुए दादर ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। यह ब्रिज पूरे होने के बाद रे रोड ब्रिज की लंबाई लगभग 385 मीटर की होने वाली है और तिलक नगर ब्रिज की लंबाई 600 मीटर की होगी। और इन ब्रिजेस को पूरी तरीके से नष्ट न करते हुए एक वक्त पे सिर्फ एक लेन का काम पूरा किया जाएगा और वह काम पूरे होने के बाद ही दूसरे लेन को नष्ट किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक का कंटिन्यूस फ्लो चलता रहे। अगर हम इन ब्रिजेस की लागत की बात करें तो रे रोड ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 175 करोड़ और तिलक रोड ब्रिज के लिए 375 करोड़ रुपीज की लागत आने वाली है। और अगर इन प्रोजेक्ट्स के टाइमलाइन की बात की जाए तो रे रोड ब्रिज को सिर्फ 380 दिन में पूरा कर लिया जाएगा और दादर के तिलक नगर रोड ब्रिज को 640 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मुंबई में ऐसे और कौन से रेल ओवर ब्रिजेस हैं जिन्हें इस तरीके से अपग्रेड किया जाना चाहिए, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करना ना भूले। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।